आप सभी का स्वागत है जेएलके के इस नए अंक में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कानून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगू, जो खुद इसके भुक्तभोगी हैं कश्मीर से, उनसे जानेंगे क्या ये संभावना बन सकती है। डॉक्टर चिरंगू सर, केंद्र सरकार जो कह रही है, क्या ये संभावना है कि कश्मीरी हिंदू भाई वापस इज्जत के साथ चले जाए? ये बात हर एक सरकार कहती आ रही है, कश्मीरी हिंदू विस्थापित को डिग्निटी और ऑनर के साथ वापस हम ले जाएंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक जो समस्या का मूल स्वरूप है उसको मान्यता नहीं दी है, और इसलिए सही मानों में जो करना है वापसी के लिए वो किया नहीं। अभी तक जो भी रिटर्न के जो भी प्रकल्प बने हैं सरकार की तरफ से, वो टोकनिस्ट रिटर्न के हैं कि किसी तरीके से दिखा दें कि भाई कुछ लोग वापस गए हैं, और ताकि हम हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर ये कहें कि भैया आप तो ख़त्म हो गया, हम ये करके दिखाएं। इस सरकार की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस दिन JKLF पे बैन लगाई गई उसको होम सेक्रेटरी ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि भाई JKLF को हमने इसलिए बैन लगाई क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का जिनोसाइड किया, जाति समाज किया। अब ये जिनोसाइड है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवता के खिलाफ एक अपराध है, और भारत सरकार जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड, इसके जो कोवेनेंट्स है यूनाइटेड नेशन में, उसकी एक सिग्नेटरी है। हमने उस कॉन्वेंशन पे, जिनोसाइड के कॉन्वेंशन पे भारत सरकार ने साइन किया है, और अगर भारत सरकार मानती है कि जिनोसाइड हुआ है तो जिनोसाइड के संदर्भ में ही उनको एक प्रक्रिया का निर्माण करना है। वो ये नहीं कह सकते, अभी तक भी वो हमको माइग्रेंट ही बोल रहे हैं। अगर विस्थापित हैं, रिलीजियस क्लींजिंग वहाँ पर हुई है, तो पहला काम करना चाहिए था भारत सरकार को, उन्होंने उनको फॉर्मली ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि भाई वहाँ पे जाति समाज जिनोसाइड हुआ है, और जिनोसाइड को नकारने के लिए, उसका जो प्रतिकार करने के लिए जो भी पॉलिसी स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे। जब तक सरकार जिनोसाइड के रिवर्सल के कॉन्टेक्स्ट, जिनोसाइड को नकारने के संदर्भ में अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगी, तब तक वापस जाने की बात होगी नहीं, सिर्फ स्लोगन के रूप में। डॉक्टर अजय चिरंगू, सरकार ये बात भी मान रही है, अलग अलग जो बेल्ट फोर्सेस के अधिकारी टॉप मान रहे हैं, कि अभी कश्मीर घाटी में आतंकवादी हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर हैं, ये राज्य पुलिस महानिदेशक ने भी माना है, अलग अलग एजेंसियों ने भी माना है। क्या ऐसे में संभावना है कि अगर ये कोशिश करते हैं तो कश्मीरी हिंदू वहाँ जाकर फिर इज्जत अपनी बचा पाएगा और सामान्य जीवन में जी लेगा? तीन बातें करनी होती हैं। पहले आप जिनोसाइड का जो अपराध है इसको मान लीजिए, फिर ये अपराध किन लोगों ने किया है उसके लिए कार्रवाई शुरू कीजिए, और जो लोग उखड़ के आए हैं उनको वापस परमानेंटली बसाने के लिए उस सोच को शुरू कीजिए। अभी तक ऐसा है कि भैया इन किसी भी बात को नहीं करना है, जिनोसाइड को नहीं मानना है, जिनोसाइड के अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, और इस बात को भी तूल नहीं देनी है कि वहाँ पे जो लोग वापस जाएंगे वो किस तरह से आगे आने वाले समय में रहेंगे, वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट का, उनकी प्रोक्रिएशन का स्कोप क्या रहेगा। भारत सरकार अभी भी इसको एक, आप मान लीजिए ना, नीलामी होती है ना भाई, वापस जाने के लिए कितना लोगे, इस तरीके की प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू की, भाजपा भी अभी तक लग रहा है कि वैसे ही चल रही है। डॉक्टर अजय चिरंगू, कुछ बातों से साफ प्रमाण मिलते हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है और ये ऊपरी सरफेस में काम हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी में भी काम नहीं है। डॉक्टर अजय चिरंगू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।